हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में बेल का बटन है वो दबा दीजिए। मैं हर बार आपको यही बताती हूँ। और जो पुराने हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये सब आपके साथ से ही होगा, अगर आप साथ दोगे तो ही होगा। गाइस, मैं डेली आपको नई नई वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। ओके गाइस, तो आप सबका साथ चाहिए बस। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप थ्योरी स्टार्ट किया था। ओके गाइस, तो वो फर्स्ट पार्ट था। आज उसी का सेकंड पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है गाइस? तो फ्रेंड्स, जो ब्राइडल मेकअप में जो आई मेकअप होता है वो उसका थोड़ा पार्ट लंबा होता है, लेकिन इसमें मैं आपको आई मेकअप का पार्ट छोटा बताऊंगी। एक मैं नई वीडियो बनाऊंगी थ्योरी की, जिसमें मैं आपको आई मेकअप का पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। डेमोज़ मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी दे चुकी हूँ आईज़ मेकअप की, और नेक्स्ट भी आगे भी देती रहूँगी। तो एक न्यू वीडियो बनेगी जिसमें मैं आपको आई मेकअप का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है? तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको हाफ़ फेस का मेकअप दिया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो कलर करेक्टर्स होते हैं मेकअप में उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है? इस वीक में मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगी बना के, ठीक है? तो इस थ्योरी के बाद, ब्राइडल मेकअप की थ्योरी के बाद, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आईज़ मेकअप की थ्योरी की बताऊंगी। उसमें मैं डिटेल आपको बताऊंगी कि आईज़ मेकअप पे क्या क्या यूज़ करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप लें, उनके नाम भी मैं आपको भेजूँगी, ठीक है गाइस? तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पूनम कैलीग्राफी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो पूनम कैलीग्राफी के नाम पे यूट्यूब में। तो मैंने वो छोटे बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है? आजकल जैसे स्कूल्स बंद हैं तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो उनके लिए मैंने कर्सिव राइटिंग का, राइम्स का, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है उन छोटे बच्चों के लिए, आप उनको करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये है ब्यूटी का, चार्म्स ब्यूटी एकेडमी, जैसे आपको मैं रोज़ बताती हूँ, और दूसरा चैनल है पूनम कैलीग्राफी। ओके गाइस, उन दोनों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमने, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक प्राइमर तक किया था, मैंने आपको एक बार दिखा रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्राइमर तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 7th स्टेप, स्टेप नंबर 7। इसमें स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, प्राइमर लगाने के बाद गाइस आपने क्या करना है कि जो हमारी जो स्किन है उस पर कलर करेक्टर लगाने हैं। कलर करेक्टर मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। कलर करेक्टर फ्रेंड्स, जैसे ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज हम जहाँ पे डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं वहाँ लगाते हैं, ग्रीन हम रेडनेस और पिंपल्स पे लगाते हैं, एक पर्पल होता है और एक पीच कलर होता है, ठीक है? ये कलर करेक्टर होते हैं, ये हमने अकॉर्डिंग टू स्किन लगाने होते हैं। ठीक है, देन फ्रेंड्स स्टेप नंबर 8, कंसीलर। कंसीलर भी आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, ठीक है? कंसीलर भी गाइस आपने स्किन टोन देख के लगाना है। जैसा भी क्लाइंट आपके पास आया है उसकी स्किन के साथ वो मैच करता होना चाहिए। मैंने मेकअप में आपको बताया था, हाफ फेस मेकअप किया था, कि कैसे मैच करना है, ठीक है गाइस? आप कंसीलर मैक का ले सकते हो, मेकअप स्टूडियो का ले सकते हो, रेवोल्यूशन का ले सकते हो, क्रायोन का ले सकते हो, हुडा ब्यूटी का ले सकते हो, जो भी आप अफोर्ड कर सको वो ले सकते हो। ओके गाइस, देन स्टेप 9, फाउंडेशन। फिर आप फाउंडेशन अप्लाई करें, ये भी अकॉर्डिंग टू स्किन एंड अकॉर्डिंग टू सीज़न लगाएं, ठीक है? सीज़न मैं इसलिए इसमें मैंने सीज़न इसलिए रखा है क्योंकि जैसे कुछ फाउंडेशन क्रीमी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है? तो ये जो फाउंडेशन है आपने अकॉर्डिंग टू स्किन और अकॉर्डिंग टू सीज़न लेना है। ओके गाइस, मीडियम स्किन टोन के लिए आप क्राइलोन का D4.5 डर्मा ले सकते हो, मैक का NC25, मेकअप स्टूडियो मीडियम ओरिएंटल, एले गर्ल नेचुरल, मेबेलिन का नेचुरल, फिट मी। फेयर स्किन टोन के लिए आप क्राइलोन का D4 डर्मा ले सकते हो, मैक का NC15, एले गर्ल का फेयर शेड, ओके, मेबेलिन का ले सकते हो फिट मी आप, ये बहुत अच्छे हैं, हुडा ब्यूटी का ले सकते हो। देन गाइस, डार्क स्किन के लिए अपने D5 क्राइलोन, मेकअप स्टूडियो मैक, हुडा ब्यूटी, फिट मी, मेबेलिन, ये 3 तरह की स्किन है जिसपे मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिए हैं,
ओके गाइस, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। देन है फ्रेंड्स स्टेप नंबर 10, फिक्सिंग पाउडर P3 PS डर्मा मैक हुडा ब्यूटी लैक्मी लोरियल क्राइलोन मेबलिन, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। देन फ्रेंड्स स्टेप 11 में आता है कंटूरिंग। कंटूर जो आप कंसीलर पैलेट होता है ना आपके पास, उसी में ही कंटूरिंग का भी एक बॉक्स होता है। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स डिब्बी होती हैं, वो उसमें एक ही कंटूरिंग का शेड भी होता है। ठीक है, उसमें लाइट इंडियन स्किन पे डार्क कलर ही चलता है, तो उसमें ऑलरेडी होता है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ एले गर्ल का मेकअप स्टूडियो का मैक हुडा ब्यूटी रेवोल्यूशन का। वो जो आपकी कंसीलर पैलेट होती है ये अलग से भी आते हैं, लेकिन उस कंसीलर पैलेट में भी एक डार्क कलर होता है, इंडियन स्किन टोन पे वही चलता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है फ्रेंड आई मेकअप, मैं इसकी वीडियो आपको अलग से एक बना के दूंगी, इसमें मैं जस्ट सिंपल आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगी आपको आई मेकअप पे, कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, इस पर क्या क्या आपने लगाना है, कैसे लगाना है, कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं। मैं उसमें लगाना तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो उसमें आपको मैं इसका प्रोसीजर बताऊँगी पूरा। ठीक है, ये याद रखना आप, मैं आपको ज़रूर भेजूंगी आई मेकअप। जो भी मैं आपको बताती हूँ आप ना इसके नोट्स बनाइए, ये मत सोचना कि हाँ ये थ्योरी है, ये काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये थ्योरी नहीं समझ आएगी आपको मेकअप करना नहीं आएगा। ठीक फ्रेंड्स, देन है आईज़ पर टेप लगाएं, यूज़ आई शेडो, यूज़ आई लाइनर, यूज़ मस्कारा, यूज़ हाईलाइटर, यूज़ आई लैशेस। ये था हमारा आई मेकअप। देन है फ्रेंड्स स्टेप नंबर 13, ब्लशर। ब्लशर आप इन कलर का ले सकते हो, हुडा ब्यूटी रेवोल्यूशन मैक। स्टेप नंबर 14 है हाईलाइटर, शिवाना का हाईलाइटर ले सकते हो, मेकअप स्टूडियो का मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल ले सकते हो। ठीक है, स्टेप नंबर है 15, आई शेडो, आईब्रो पेंसिल मेबलिन लैक्मी लोरियल पर्पल नाइका, कोई भी ले सकते हो। स्टेप नंबर 16 है आईब्रो पैलेट, म्यूजिक फ्लावर एबियन मेबलिन। स्टेप नंबर 17 मस्कारा लैक्मी हुडा ब्यूटी मैक रेवोल्यूशन, मेकअप स्टूडियो का आप ले सकते हो। फ्रेंड्स इसमें से कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप हल्की क्वालिटी के भी ले सकते हो ब्राइडल के लिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे काजल है, लाइनर है, और आपका फाउंडेशन है, कंसीलर है, प्राइमर है, ये चीज़ें आपने हल्की क्वालिटी की नहीं लेनी है ब्राइडल के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये आपने अच्छी कंपनी की ही लेनी, जैसे मैक की ले लो, क्राइलोन की ले लो, मेकअप स्टूडियो की ले लो, फाउंडेशन, कंसीलर, लिपस्टिक, काजल, लाइनर, ये आपने कभी भी लो क्वालिटी के नहीं लेने हैं ब्राइडल के लिए। अच्छी क्वालिटी के ही परचेज़ कीजिए हमेशा ब्राइडल पे। देन है फ्रेंड्स स्टेप नंबर 18, लिपस्टिक आप मैक की ले लो, लैक्मी की और हुडा ब्यूटी की, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं, और ये आपने लॉन्ग लास्टिंग ही लेनी है। ठीक है, उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक पे लिखा होता है। देन है स्टेप नंबर 19, लाइनर आप लैक्मी का ले लो, इनग्लोट का, काजल ले लो आप मिओन का, रिकॉर्ड का। देन है स्टेप 20, सेटिंग स्प्रे आपको पता है क्या होता है, जब हम मेकअप करते हैं ना और लास्ट में जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो हम मेकअप फिक्सर का एक स्प्रे आता है, स्प्रे बॉटल आती है, वो हम फेस पे स्प्रे करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी वो स्प्रे हम कैसे करना है हमने। ठीक है, तो सेटिंग स्प्रे आप NYX का, मैक का, हुडा ब्यूटी का, एले गर्ल का ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमने प्रोडक्ट कौन कौन से लेने हैं, मैंने फुल ब्राइडल का आपको बता दिया है, स्टेप्स प्रोडक्ट सब बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आप नोट कर लीजिए, ये पूरे स्टेप्स हैं, अकेडमीज में आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, और आपसे इसी कोर्स का वो 50-50 हज़ार 1-1 लाख लेंगे गाइस। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, वीडियोस दे रही हूँ, आप उनको बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से लिखिए। तो फ्रेंड्स अब तो ये तो प्रोडक्ट तो ये कंप्लीट हो गए, अब आपको क्या करना है, ब्राइडल मेकअप करते समय आपको कुछ मशीन्स की ज़रूरत होती है, जैसे क्रिम्पर, क्रिम्पिंग मशीन होती है, वो हमारे हेयर्स में वॉल्यूम देती है। जब भी हमने ब्राइडल का हेयर स्टाइल करना है तो पहले हमने क्रिम्पिंग कर लेनी है। मैंने आपको दिखाई भी थी एक वीडियो में क्रिम्पर कैसे होता है, मैंने हेयर की प्रोडक्ट नॉलेज आपको दे रखी है मशीन की, आप मेरी वीडियोस ओल्ड वीडियोस में देख सकते हो। एक आपने आईलैशेस कर्लर लेना है, उसे आईलैशेस कर्ल करते हैं। ठीक है, एक आपने हेयर स्प्रे लेना है, वो आप लोरियल का, ट्रेस्मे का, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, वेला का, कोई भी ले सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की ब्राइडल मेकअप थ्योरी, ये कंप्लीट हो गया आपका ये पार्ट आज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट था, तो ये आज कंप्लीट हो गया है आपका ब्राइडल मेकअप थ्योरी का, प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप थ्योरी का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और मेरे सेकंड चैनल में पूनम कैलीग्राफी में को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में बच्चे हैं छोटे, तो उनको पढ़ाने के लिए मैंने वो नया वीडियो जो चैनल है वो स्टार्ट किया है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके गाइस। थैंक यू, बाय बाय।